मेला के अंदर आपको काफी ज्यादा क्राउड मिलने वाला है, देख लीजिए भाई साहब चौमिन बना रहे हैं एकदम क्वालिटी के साथ, देख लीजिए पीछे में यहाँ पे जग हो रहा है, आ सकते हैं बगल में ये बड़ा झूला लगा हुआ है, देख लीजिए भैया हाय हाय बोल दिए। और यहाँ हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं पटना के दीघा के पास और यहाँ पर एक डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है और ये मेला आपको यहाँ पे मरीन ड्राइव है ना उसके जस्ट करीब में है, ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड में मरीन ड्राइव है, ठीक है और यहाँ पर बना हुआ है दीघा ब्रिज, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और डिज्नीलैंड मेला का मजा ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस मेला को एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ का नज़ारा कैसा है और कौन कौन सा झूला आया हुआ है, तो सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मेला में गजब का फूल सब आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे फ्लावर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, देख लीजिए लाल कलर का, वाह बहुत ही मस्त है। यहाँ पर देख सकते हैं मीना बाजार लगाया गया जो कि 20 रुपया का हर एक माल होने वाला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यू कलकत्ता फैशन मीना बाजार आ चुका है इस मेला के अंदर में। अगर आपको जलेबी खाना है इस मेला में तो आप जलेबी भी खा सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जलेबी का भंडार लगाया गया है, देखिए हर एक डिजाइन का आपको जलेबी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप और भी सामान सब मिल रहा है जैसे भुजिया भी आप यहाँ पे खा सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर जलेबी का पूरा फैक्ट्री लगा हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे में यहाँ पे जग हो रहा है, काफी बड़ा जग है बहुत देर से हो रहा है, काफी आवाज भी आपको आ रही है जग का। तो गाइज अगर आप चौमिन खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आराम से चौमिन खा सकते हैं, देख लीजिए भाई साहब चौमिन बना रहे हैं एकदम क्वालिटी के साथ, देख लीजिए भैया हाय हाय बोल दिए। और यहाँ पे समोसा भी रखा हुआ है देख सकते हैं, तो काफी अच्छा है, ठीक है तो यहाँ पर खाने पीने का काफी अच्छा व्यवस्था किया गया है, यहाँ खा सकते हैं। तो गाइज आपको यहाँ पर भगवान का मूर्ति भी देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान का मूर्ति लगा हुआ है, गणेश जी विश्वकर्मा जी आप देख सकते हैं सभी भगवान का फोटो लगा हुआ है इस मेला के अंदर में। और मेला के अंदर आपको काफी ज्यादा क्राउड मिलने वाला है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है और ये मेला कुछ दिन पहले चालू हुआ है और लगभग 4-5 दिन के बाद ये मेला खत्म भी हो जाएगा। तो आगे चलते हैं और आपको झूला का सीन दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा झूला आया हुआ है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं झूला के पास, आप देख सकते हैं बगल में ये रहा झूला और बड़ा झूला लगाया गया यहाँ पर, चलिए एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पर खाने पीने का आइटम का भी कोई कमी नहीं होने वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऊपर में देख सकते हैं ये ब्रिज लगा हुआ है, ठीक है तो चलते हैं आगे दिखाते हैं। तो गाइस अगर आपको बड़े झूले पे झूलना है तो आप यहाँ पे झूल सकते हैं और प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं होने वाला, देख सकते हैं बगल में ये बड़ा झूला लगा हुआ है देख लीजिए, तो यहाँ पर आ सकते हैं झूला झूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इस मेला के अंदर में, तो आप लोग देखिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। तो गाइस देख लीजिए ये बड़ा झूला और बगल में मिक्की माउस और उसके जस्ट बगल में ब्रेक डांस झूला है, तो आइए इस मेला के अंदर में और इस बड़े झूला पर आराम से झूल सकते हैं, आपको यहाँ पर बच्चा का झूला भी देखने को मिल जाएगा, तो आपको मिक्की माउस भी मिल जाएगा और साथ में आपको यहाँ पर ट्रेन झूला भी मिल जाएगा। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और मैं अगर आपको एड्रेस की बात करूँ तो ये पटना दीघा के पास है, जस्ट मरीन ड्राइव के करीब में है, तो यहाँ से आप आराम से मेला का एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, जय हिंद जय भारत।